देश में जहां लॉकडाउन के बाद लोग घरों में कैद हैं, तो कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं उसमें चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। लोग जो हैं घरों में बंद हैं, इंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है या काम धंधे बंद पड़े हैं, उनके बाद जो लगातार डिप्रेशन या तनावपूर्ण ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। और इसी कड़ी में मुंबई में जो एक मामला सामने आया सुशांत सिन्हा का, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जुड़ा हुआ था। तो इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोचिकित्सक अजय भार्गव जी हैं। सर, क्या नज़र आ रहा है ऐसे में जब लॉकडाउन है पूरे देश में, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके पास भी क्या ज़्यादा मरीज आ रहे हैं इस समय, और कैसे आप जो है उनको हैंडल कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय जो है डिप्रेशन और तनाव के, यानी अवसाद और तनाव के जो हैं केसेस 20% लगभग बढ़ गए हैं। और जो हम फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, हम लोगों ने हेल्पलाइन भी खोल रखी है जिनका नंबर है 9810-23-22-27, 9821-81-41-80, 9212728301, जिसपे हम लगभग सुबह 9 से लेके शाम को 9 बजे तक मशवरा देते हैं। किसी भी बंदे का उस पर स्वागत है। और ये तनाव की जो स्थिति आई है, इससे जो बेरोज़गारी के आंकड़े बढ़ गए हैं, काम धंधे नहीं हैं, सारे देश, पूरा विश्व इससे गुजर रहा है। तो हम कोई अपवाद नहीं है, भारत कोई अपवाद नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक की एक जो स्किल है, कोप अप स्किल है, वो अलग अलग होती है। तो ये देखा गया है, जैसे बच्चे हैं वो ज़िद करते हैं बाहर जाने की, बाहर खाने की, तो उनके लिए भी सरकार ने आजकल टीवी पे कुछ सीरियल्स रखे हैं, रामायण महाभारत भी आ रही है, बच्चों के सीरियल्स भी आ रहे हैं, यूट्यूब भी है आजकल, उसके अलावा किंडल पे बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। तो पहले के लोग तो घरों में रहते थे, गर्मी भी होती थी, पर आजकल ये देखा गया है कि लोग बाग सहन नहीं कर सकते इस लॉकडाउन को। तो उसका इलाज है कि आप इंडोर गेम खेल लें पेरेंट्स के साथ, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा जब आप बड़ों से बातें कर सकते हैं, अपनी दिल की बात कर सकते हैं, आप अपने रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं आपस में बातचीत करके। अच्छा सर, मैं अगर बात करूँ कि किस तरह के जो है मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, वो किस तरह की बातें आपको समझाते हैं, समझते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो कैसे जो है अभी ज़्यादातर बीमारियाँ जो है मनोचिकित्सक के तौर पर आप देख रहे हैं, कैसे ज़्यादा मरीज आपके पास? आजकल जो थोड़ी यंग जनरेशन, अभी में से कि 20 से लेकर 40 वाली जनरेशन ज़्यादा परेशान है, और उसमें भी थोड़ा मेल का रेशो ज़्यादा फीमेल के मुकाबले, क्योंकि हमारे यहाँ मेल ही वर्किंग होते हैं मोस्टली। जो पेशेंट आते हैं आपके पास, वो कैसी कैसी परेशानियाँ आपको बताते हैं अपनी, किन किन दसों दिशाओं से वो गुजर रहे हैं, क्या बढ़ गई हैं चीज़ें डिप्रेशन में, कि सैलरी नहीं मिल पा रही है, घर में एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है घूमने फिरने या फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने वाली होती है, ऐसे में जब वो घर पे कैद हैं, तो कैसी ज़्यादा शिकायतें आपके पास पहुँच रही हैं और कैसे आप उनका समाधान करने की बात करते हैं? आजकल की यंग जनरेशन को देखा गया है कि जैसे खाने में अभी रेस्टोरेंट भी बंद हैं, वो बाहर निकलने की कहती है। कुछ मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम काम बाहर क्यों ना जाएं, अगर हम कभी काम पे जा रहे होते तब भी तो आप हमें अलाउ करते, तो दोस्तों से मिलने से क्यों। लेकिन ये जो कोरोना की वजह से जो डिप्रेशन आ गया है, कोरोना की वजह से बैठना घर पर पड़ गया है, इसमें सबकी मजबूरियाँ भी हैं ना। तो हम तो ये एडवाइस करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, स्पेशली बुज़ुर्ग वर्ग और बच्चे वर्ग ना निकलें, केवल ज़रूरत की सामानों की लिस्ट बनाएं, और हो सके तो वीक में या 15 दिन में एक बार जाएं और अपना सामान लेके वापस आ जाएं, या ऑनलाइन करें अगर पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो। इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर दिन भर आप उदास मूड है, 15 दिन तक आप रोना चाहते हैं, आप किसी के से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि अब शरीर जीवन में कुछ कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई है, आइडिया होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसा फील करते हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आप अपनी किसी भी दोस्त की, सामाजिक संस्था की, या हमारे मनोचिकित्सक की या मनोवैज्ञानिक की मदद ले सकते हैं, और काफ़ी सारी हेल्पलाइन इसमें खुली हुई हैं, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। तो इस दशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि समाज को कुछ दे पाएंगे।
तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो इस समय जो युवा हैं वो ज़्यादा जो है डिप्रेशन का तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि घरों में वो ना किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, ना कोई बाहर जाने के लिए सरकार जो है अलाउड ज़्यादा कर रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कोरोना वायरस में घरों से बाहर ना निकलें। घर पर अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रख सकते हैं वो रखिए, मन लगाने के लिए किताब पढ़िए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप इस जो काल है कोरोना काल इससे बच पाएंगे और तनावपूर्ण ज़िंदगी से भी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख पाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।